खबर ग्वालियर से आ रही है, जहां शहर के आंतरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पीड़ित किसान ने जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई। वही पीड़ित किसान का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध रूप से उसकी खेती जमीन को जोत लिया गया। जब किसान ने इस बात का विरोध किया तो किसान को गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक इस मामले को लेकर शिकायत पीड़ित किसान ने आंतरी थाना के साथ साथ पटवारी तहसीलदार तक कर दी है, परंतु अब तक पीड़ित किसान को न्याय नहीं मिल पा रहा है। विवश होकर पीड़ित किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचा, साथ ही पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय के लिए गुहार लगाई है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। क्या नाम है? सकन सिंह है मेरा नाम। क्या समस्या लेकर आए? समस्या लेके आओ तो मेरी 24/6 में जमीन जोत ली। लोकेंद्र सिंह, इंदर सिंह, कमल सिंह पुत्र छतरी राम, जिनने जमीन जोत ली जबरी से। मेरी जमीन है 90/10 सिंहगंज। वो है लोकेंद्र सिंह, कमल सिंह और इंदर सिंह है। हम भाई उसी गांव के हैं। हाँ, इसकी शिकायत करी है आतरी थाने में, छीनोर तहसील में, और SDO साहब को जहाँ क्या कहते हैं SP साहब को भी आवेदन दिया है। आज देखिए, जन सुनवाई आम जनता है उसकी समस्याओं के समाधान का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज 11 बजे से लेकर अभी तक हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स कंट्रोल रूम में बैठ के काफ़ी समय फरियादियों को दे रहे हैं। जन सुनवाई में जो लोग यहाँ तक आ रहे हैं उनमें कई सारे मामले तो पारिवारिक विवाद के हैं, तो बारिश का सीजन है, कई सारे मामले ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन के विवाद के भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें मामले विवेचना में चल रहे हैं और इनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि उसमें त्वरित कार्रवाई हो, गिरफ्तारियाँ हों। तो सभी मामले काफ़ी गंभीरता से वरिष्ठ अधिकारियों ने सुने हैं और मामलों में मौके पर ही कई बार थाना प्रभारियों ब्लॉक निर्देश दिए गए हैं, कई बार फ़ोन पर निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगली जन सुनवाई तक ये जो समस्याएं अभी संज्ञान में आ गई हैं इनका समाधान हो जाए और इनको दोबारा किसी माध्यम से अपनी शिकायत लेकर आना पड़ेगा।